माता दुर्गे, योग शक्ति का विस्तार कर। तेरी प्रिय आर्य संतान हम में से लुप्त शिक्षा, चरित्र, मेधा शक्ति, श्रद्धा भक्ति, तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य ज्ञान का विकास कर, जगत में वितरण कर। हे दुर्गति नाशनी जगदम्बे, मनुष्य की सहायता के लिए प्रकट हो। नवरात्रि के दूसरे दिन भगवती माँ का दूसरा अवतार माँ ब्रह्मचारिणी की साधना की जाती है। इस साधना का मार्ग महर्षि श्री अरविंद ने अपनी पुस्तक माता में उल्लेख किया है। मनुष्य कैसे भगवती चेतना या भगवती शक्ति को प्राप्त करे, परंतु भगवत शक्ति को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को स्वयं तीन प्रयत्न करने होंगे, तभी वह भगवती शक्ति पाने का अधिकारी होगा। आज दुर्गा पूजा के दिन हर मनुष्य को क्या संकल्प करना है, उसका उल्लेख महर्षि श्री अरविंद द्वारा रचित माता पुस्तक में दिया है, जिसको हम आज प्रस्तुत कर रहे हैं। जगत में जो कुछ घटित होता है, उन सब के पीछे भगवान अपनी अनंत शक्ति के द्वारा रहते हैं। जगत में जो भी कार्य करते हैं, वह जीव के अहंकार के द्वारा करते हैं और वह स्वयं योग माया से ढके रहते हैं। मनुष्य की व्यक्तिगत साधना उसकी अपने प्रयत्न द्वारा ही आरंभ होती है, क्योंकि उसे अपने निम्न प्रकृति लोअर नेचर को जीतना आवश्यक है। यह पहला पड़ाव है, जिसको पार करने के बाद ही भागवत शक्ति व्यक्ति के योग में साधक और साधना दोनों वे ही रहती है। भागवत शक्ति को प्राप्त करने के लिए जिस व्यक्तिगत प्रयत्न की आवश्यकता है, वह है अभिप्सा, त्याग और समर्पण की तिहरी साधना। पहला व्यक्तिगत प्रयत्न है अभिप्सा, व्यक्ति के हृदय की शुद्ध और पवित्र चाह, मन का सतर्क निरंतर स्थिर संकल्प तथा प्राण की स्वीकृति और शरीर की चेतना जो भगवती शक्ति की ओर हमेशा खुले। दूसरा व्यक्तिगत प्रयत्न है त्याग, व्यक्ति को भगवती शक्ति के लिए अपने निम्नतर प्रकृति की सभी आदतों का त्याग, अपने मन के विचारों, मतों तथा अपनी पसंदों और कल्पनाओं का त्याग, ताकि भगवती चेतना के लिए मन में स्थान मिल सके। इसके साथ व्यक्ति के प्राण, जिसमें भावनाओं, आवेगों, स्वार्थ, अभिमान, लोभ, काम, ईर्ष्या का जन्म होता है, इन सब का पूर्ण त्याग। इसके साथ शरीर की मांग, तमस, आलस, परिवर्तन की अनिच्छा, संशय, अविश्वास का संपूर्ण त्याग, ताकि भागवत दिव्य प्रकाश, शक्ति और आनंद व्यक्ति के शरीर में प्रतिष्ठित हो। तीसरा व्यक्तिगत प्रयत्न समर्पण, भागवत शक्ति के प्रति आत्मसमर्पण। व्यक्ति के पास जो कुछ है, उसकी मनोमय चेतना, समर्पण जब आत्मनिवेदित होकर बढ़ता है, तब व्यक्ति जो भागवत शक्ति की साधना कर रहा होता है, उसे अनुभव होने लगता है कि भगवती शक्ति ही साधना कर रही है। स्वयं भगवती शक्ति व्यक्ति के शरीर, मन, प्राण और चेतना में स्थापित कर रही है। व्यक्ति जब अभिप्सा, त्याग, समर्पण के द्वारा प्रयत्न करता है, तब उसके निजी प्रयास का स्थान भगवती शक्ति अपने हाथों में लेना शुरू कर देती है और व्यक्ति अधिक तेज और सच्ची प्रगति करने लगता है। ध्यान रहे कि व्यक्ति का तामसिक समर्पण जो भगवती शक्ति को इसलिए पुकारता है कि वे उसे कष्ट और प्रयास से बचा दें, ऐसा समर्पण और प्रयास एक धोखा है। इस नवरात्रा में ये विचार महर्षि श्री अरविंद की पुस्तक माता से लिए गए हैं, जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। हम लगातार आपके लिए 9 दिनों तक महर्षि श्री अरविंद के विचार लेकर आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ बने हुए हैं।